अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ छोले की रेसिपी, जो कि बहुत ही झटपट बन जाती है। आप चाहें तो इसे ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर में भी बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 15 से 20 लहसुन की कली, 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा, 3 हरी मिर्च, 2 टमाटर। इन सभी चीज़ों को हम बारीक पीस लेंगे। एक पैन में तेल गरम करेंगे और 2 मीडियम साइज़ की प्याज को स्लाइस करके तेल में डाल देंगे। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन कर लेना है। गोल्डन ब्राउन हो जाने के बाद इसे निकाल कर मिक्सर में बारीक पीस लेना है। सेम ऑयल में हमें प्रिपेयर किया हुआ मसाला ऐड कर लेना है और थोड़ा सा पानी डालकर हमें मिक्सर जार को भी क्लीन कर लेना है। अब मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। 1.5 टेबलस्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून छोले मसाला। मैं यहाँ एवरेस्ट का छोले मसाला यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। 5 मिनट के लिए लेड लगाकर मसाले को अच्छे से भूनने देंगे। 5 मिनट हो चुका है, हमारा मसाला भी अच्छे से भून चुका है। इन्हें हमें ज़्यादा नहीं भूनना है। अब जो हमने प्याज को पीस कर रखा था वो ऐड कर लेंगे। प्याज का पेस्ट डालते ही हमारे मसाले में थिकनेस आ जाएगी। देखिए हमारा मसाला जो है एकदम थिक हो चुका है, काफ़ी गाढ़ापन आ चुका है इसमें। यहाँ मैंने 1.25 किलो चने को ओवरनाइट सोक किया था और इसे नमक और हल्दी डालकर उबाल लिया था। थोड़ी सी कोथमीर ऐड कर लेंगे। और साथ ही में 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी ली है, उसे भी ऐड कर देंगे। कसूरी मेथी को थोड़ा क्रश करके ऐड करिएगा। और एक अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। यहाँ हमारा छोले बनकर एकदम रेडी है। अगर आपको भटूरे की रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। यहाँ भटूरे एकदम परफेक्ट तैयार हुए थे। आप भी देख सकते हैं कितने फूले फूले यहाँ भटूरे बन रहे हैं। इसी तरह दूसरा भी हम तल लेंगे। भटूरों को जो है हमें थोड़ा सी ऊपर से प्रेस कर करके बनाना होता है। अब हम डिश आउट कर लेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।